हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ सर्विसेज लूँगी जो कि हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, उसकी प्राइसिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी कि किस तरीके से आप चार्ज करेंगे, ताकि ये आपको एक बिलिंग टैरिफ बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की जो सर्विसेज हैं, वैसे मैंने पार्ट वन जो है वो आईसीयू सर्विस तक ही वहाँ पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रही थी। तो आज के पार्ट जो है वो हम आईसीयू सर्विसेज से ही स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैंने आपको पार्ट वन में थोड़ा सा ही थोड़े से पॉइंट्स बताए थे, अभी मैं आपको आईसीयू सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज और जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे वो, और डायग्नोस्टिक सर्विसेज, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम ये सर्विसेज जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, डिफरेंट कैटेगरीज है मेंबरशिप की। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस चैनल की मेंबरशिप को ले भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम अपनी जो सर्विसेज हैं उसको कवर करना शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आईसीयू सर्विसेज में मैंने पार्ट जो वन है उसमें बताया था अकोमोडेशन चार्जेस होंगे आपके, नर्सिंग चार्जेस होंगे, असेसमेंट चार्जेस होंगे, कंसल्टेंट की विजिटिंग चार्जेस होंगे, देन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन चार्जेस होंगे, मॉनिटर के चार्जेस होंगे, और जो भी आईसीयू में इक्विपमेंट्स होते हैं उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अगर बिलिंग थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये चार्जेस आप किस बेसिस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईसीयू जो है वो बहुत वेरी करते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि आईसीसीयू हो गया, एचडीओ हो गया, ठीक है, नियोनेटल का अलग होगा। तो जो आपके अकोमोडेशन चार्जेस होते हैं वो बेसिकली पर डे अकोमोडेशन चार्जेस होते हैं आईसीयू के। अब ये मैंने कहा वो भी डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा आईसीयू है, आपके बर्न्स का आईसीयू है, नियोनेटल आईसीयू है, एचडीयू है, ठीक है, ये भी अकोमोडेशन चार्जेस इन पे वेरी करते हैं। अब आपके आते हैं नर्सिंग चार्जेस या कोई असेसमेंट चार्ज हो या फिर कंसल्टेंट विजिट चार्जेस हो, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके आईपीडी के जो चार्जेस होते हैं ना उन पे लगते हैं, बट ये भी वेरी कर जाते हैं। ठीक है, आपके आईसीयू के जो चार्जेस होंगे वो पर डे के चार्जेस होंगे, और क्या कैटेगरी है आपके अकोमोडेशन का उस पे भी, मीन्स उसके आसपास ही उसके सिमिलर होते हैं आपके आईसीयू के चार्जेस। ठीक है, तो अब आता है हमारा वेंटिलेटर चार्जेस या जो आपके ऑक्सीजन या मॉनिटर चार्जेस होते हैं। तो आपने जब भी बिलिंग, जैसे आप टैरिफ बनाते हैं, तो वो वेंटिलेटर चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस या फिर जो आपके मॉनिटर चार्जेस हैं वो पर डे या पर आर के बेसिस पे होने चाहिए। ठीक है, अब बाकी जो इक्विपमेंट चार्जेस हैं वो आपकी जो स्टैंडर्ड टैरिफ है इक्विपमेंट की, उनको रेफ़र करते हुए आपके जो आईसीयू की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो बाकी इक्विपमेंट के चार्जेस होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर्जिकल सर्विसेज पे। आई होप आपको आईसीयू सर्विसेज क्लियर हो चुकी होंगी कि आपने किस तरीके से स्पेसिफाइड करना है आपके चार्जेस को, पर आर कैसे करना है, पर डे का कौन सा होगा, ठीक है, और लेवल ऑफ अकोमोडेशन जो आपकी है उसके बेसिस पे आपके आईसीयू चार्जेस डिफर करेंगे, राइट। अब आते हैं हमारी सर्जिकल सर्विसेज। अब सर्जिकल सर्विसेज देखिए, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट जो आईपीडी का है वो आपके सर्जिकल सर्विसेज ले, ठीक है, जिनकी मेजर सर्जरीज होती हैं या माइनर सर्जरीज होती हैं वही लोग जो हैं इसकी फ़ी पे करते हैं, ये अंडरस्टूड है, राइट। तो आपकी सर्जिकल सर्विसेज में जो फ़ी आती है वो आपकी सर्जन की फ़ी होगी, ऑब्वियसली आपके असिस्टेंट सर्जन फ़ी, अगर कोई उनको असिस्ट कर रहा है, आपके जो सर्जन हैं उनको, ठीक है, एनेस्थेटिस्ट फ़ी होगी, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस होंगे, और अगर मल्टीपल प्रोसीजर हुए हैं एक ही सिटिंग में तो उनके चार्जेस जो हैं वो डिफर करते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं हमारे सर्जन की फ़ी में, जो आपका प्राइमरी सर्जन होगा उसकी फ़ी कैसे वेरी करेगी। एक तो आपकी लेवल ऑफ सर्जरी पे, कि किस तरीके की सर्जरी आप पे की जा रही है, राइट, उसके रिस्क पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब सर्जरी जो है वो भी डिफरेंट लेवल्स की होंगी, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि आपके मेजर लेवल जो है वो ज़्यादा चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू दी माइनर लेवल्स, ठीक है, और उस सर्जरी की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी सिटिंग्स हुई हैं,
तो उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी जो सर्जन फी है वो लिंक करेगी आपकी लेवल ऑफ सर्जरी पे। अब आपकी असिस्टेंट सर्जन फी जो होगी वो आपकी 20% होगी ऑफ द प्राइमरी सर्जन फी, ठीक है। आपकी जो प्राइमरी सर्जन है उसकी 20% जो है वो उनको चार्ज होगा, राइट। अब एनेस्थीजिया की जो फी है आपकी वो भी डिपेंड करेगी कि कौन से लेवल का एनेस्थीजिया किस सर्जरी में दिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चार्जेस जो हैं कुछ हॉस्पिटल में कंबाइल भी होते हैं, बट कुछ हॉस्पिटल्स में जो हैं वो अलग अलग चार्जेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी एनेस्थेटिस्ट की फ़ी होगी, आपके 25% आप कह लीजिए कि चार्ज की जाती है आपके एनेस्थेटिस्ट को, ठीक है। मींस कहने का मतलब ये है कि 25-35% आप बोल सकते हैं, 25-35% जो आपकी सर्जन फ़ी है वो चार्ज की जाती है आपके एनेस्थेटिस्ट को। अब जो है आपके जो ऑपरेशन थिएटर के जो चार्ज होंगे वो होते हैं आवर्स के बेसिस पे, राइट, कि कितने घंटे आपकी OT यूटिलाइज हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो पेशेंट हैं वो आवर्स के बेसिस पे जो सर्जन हैं उनको पेमेंट देते हैं। वैसे पेशेंट जो है वो इनडायरेक्ट वे है सर्जन को फ़ी देने का, सैलरी तो उनको हॉस्पिटल से मिलती है, राइट। तो जो आपके ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं वो आपके आवरली बेसिस पे होंगे, और कौन सा ऑपरेशन है, किस टाइप का ऑपरेशन है, उस पर वेरी कर जाता है, ठीक है। एंड यस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो आपके सर्जिकल मटेरियल्स होंगे, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है, स्टेराइल पैक्स जो यूज़ होते हैं सर्जरी के लिए, वो बेसिकली आपके जो ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं उसी में ही कवर कर लिए जाते हैं। आपके जो स्टंट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वैसे जो आपके इम्प्लांट्स होंगे उनके चार्जेस आपके MRP से, मीन्स आप ज़्यादा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपके MRP हैं आप उनको वही लगाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, लाइक आपके जो अल्फाबेड्स हैं, CPAPs हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, नेबलाइजर हैं, या फिर सिरंज पंप हैं, वाटर बेड्स हैं, ठीक है। तो हर एक इक्विपमेंट का जो चार्जेस है वो पर टाइम या पर डे या पर आवर्स के बेस पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चार्जेस है वो डिफ़र कर सकते हैं, OPD के लिए अलग हो सकते हैं, इमरजेंसी के लिए अलग हो सकते हैं, डे केयर के लिए अलग हो सकते हैं, ICU के लिए अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बिलिंग टैरिफ आपने किस तरीके से बनानी है, आप किस तरीके से चार्जेस लगाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। तो एक बेसिकली आपने एक स्टैंडर्ड टैरिफ जो है वो बना के रखनी है आपके टेस्ट्स के लिए भी, जो भी आप लेबोरेटरी में या फिर इमेजिंग डिपार्टमेंट में जो भी आप करते हैं, ठीक है, आपके जो एक्सरेज होते हैं, आपके जो लेबोरेटरी के टेस्ट्स होते हैं, उसको देखने के लिए, उनके चार्जेस देखने के लिए आपके पास एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी सर्विसेज के, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनके चार्जेस लिखे हों, और जिसमें जैसे कि आपके एक्सरे इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे के चार्जेस हैं, अगर आप बेड साइड जाके कर रहे हैं तो आप उनकी एडिशनल फ़ी जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो आज की जो सर्विसेज हैं मैंने बेसिकली ICU कवर कर दी हैं, आपके डायग्नोस्टिक सर्विसेज कवर कर दी हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स कवर कर दिए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको मटेरियल, कंज्यूमेबल्स और भी थोड़ी बहुत सर्विसेज के बारे में बता दूंगी। बस इस वीडियो का जो है थर्ड पार्ट में मैं एंड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड पता चल सके, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पता चल सके। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मोस्टली मैंने वीडियोस कवर कर दी हैं। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। तो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 3 में। तो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।